मिठाई बन रही है मस्के को पाव पाव को मस्क सो गाइस हम लोग की सैरी हो चुकी है अभी कुछ अभी बस थोड़ा काम है जो मुझे धोना है बर्तन गाइज वेलकम टू माई चैनल दिस इज रहीमा सो गाइज आज लग गया है 13वां रोज़ा इट मीन्स 13वीं सैरी सो अभी हम लोग सैरी करेंगे तो चाय बन रही है तो पाव को मस्का लग रहा है और यहाँ पे चाय बन रही है चाय मैं बना रही मेरी बहन वहाँ पे मस्का लगा रही है पाव को कड़क पाव सो ये लोग वो खाने वाले हैं मम्मी और मेरी बहन और मैं खाऊंगी चौखस लाइट नाश्ता क्योंकि मैं रोज ये खा खा के पक गई कड़क पाव और चाय तो आज मैं खाऊंगी चौखस और मेरा हो पिंक रेड रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने अभी पोमोग्रेनेट का जूस पीऊँ फॉर बेटर हेल्थ तो मुझे थोड़ा अपना सेहत का भी ध्यान रखना होगा बाय द वे मेरी स्किन थोड़ी ग्लोई हो रही है या नमाज वगैरह का कमाल है गाइस सो या मैं आप लोगों से मिलती हूँ आगे अभी आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोग चाय चाय बन रही है रेडी हो रही है सो हम लोग की मतलब सैरी मेरी ऑलरेडी मतलब मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी मम्मी और मेरी बहन की नहीं हुई थी तो लोग ब्रेक में कंपनी दे रही थी थोड़ी बहुत बातें चीतें करके मस्ती मजाक चालू था फिर ना मेरी मम्मी ने मुझे हाथों से खिला ही दिया कड़क पाव मस्के वाला एक बाइट तो मैंने वो खा ली और मेरी बहन ने कुछ शायद जोक मारा था तो मैंने हंसी थी उस पर सो फिर हम लोग वही अभी सैरी करते बैठे सब मज़ा आता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सैरी करना इफ्तार करना हर चीज़ और मैं अभी खा रही हूँ खजूर और पानी क्योंकि कहते हैं कि खजूर खाते वक्त पानी पीने से पूरा दिन प्यास नहीं लगती है अब पता नहीं मुझे बट मेरे को तो रोज़ा जल्दी लगता ही नहीं है कभी सो फिर हम लोग को मस्ती चढ़ी थी एकदम सो अभी आप आगे का सुनिए क्या बोलती हूँ मैं क्या करती हूँ मम्मी के साथ मस्ती चालू थी तब सुनिए माँ माँ खजूर सो गाइस हमारी सैरी हो चुकी है अभी बज रहे हैं 5:05 और कुछ 5:18 को शायद या 5:17 को टाइम खत्म होगा आज तो टाइम है हम लोग के पास थोड़ा और हम लोग आखिरी टाइम तक का पानी पीते ही रहते हैं तो हम लोग का वही चलता रहता है और अभी हम लोगों ने जस्ट खाया खजूर दो खजूर खाए और पानी भी पिया हमारी नबी की सुन्नत को फॉलो किया हम लोगों ने खजूर और पानी में भी रखा एक दिन हम लोगों ने सिर्फ खजूर और पानी पे रोज़ा रखा था जिसमें मैं मेरी बहन हम दोनों शामिल थे सो अभी सैरी का वक्त हो चुका है अभी थोड़ा टाइम बाकी है फिर मैं दुआ पढ़ लूँगी फिर नमाज का वक्त होगा फिर मैं नमाज पढ़ूंगी फिर मैं सो जाऊँगी फिर पूरी रूटीन मैं आपके साथ डे की शेयर करूँगी सो या स्टे ट्यून फॉर दैट अभी फिलहाल तो फजर की नमाज का वेट करते हैं और कुछ सो गाइज मीट माई कैट सुजैन जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत प्यारी है इसने अभी 2-3 बेबीज दिया था बट उसमें से 3 नहीं एक ही बेबी बचा है और ये है मेरा सिम्बा जो सबसे लाडला बेटा है हम लोग के घर का हम लोग का सबका जो पूरा थोड़ा सा शेर सी वाइब देता है और अभी मेरी फजर की नमाज हो चुकी है और अब मैं मिलती हूँ आपको दोपहर में सो बाय सो गाइज मैंने नमाज पढ़ ली जोहर की उठ गई थी मैं कुछ 2 बजे और अभी जस्ट नमाज पढ़ के फ्री हुई हूँ मैं अभी बस थोड़ा काम है जो मुझे धोना बर्तन तो वो मैं करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ देखते हैं अभी आज पूरा दिन क्या करते हैं वेल देखते हैं अभी गाइस मैं नहा ली अभी 5:30 हो रहा है अभी जस्ट असर की अजान ही मैं जाऊँगी अभी नमाज पढ़ूँगी फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं और रिया सोचे कि 5 नंबर चले जाते और खाला की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उनके पास जाते तो फिर हम लोगों ने 5 नंबर से ये ब्रेसलेट ले लिया हम लोग के लिए सेम मैचिंग और यहाँ
अभी हम लोग 5 नंबर गए थे, मैं और रिया, और अभी हम लोग आए खाला के घर। खाला की तबीयत बहुत खराब है, इस वजह से भाभी देखो यहाँ बैठे कैसे सीरियल देख रहे हैं, इश्क मुर्शिद। और यहाँ पे देखो खाला को ग्लूकोज चढ़ रहे हैं, उनको देखो यहाँ पे। हाय गाइस, इनके लिए दुआ करो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तेरे ब्लॉग के जाने तक अभी ठीक होगा। हाँ वो ठीक तो हुई नहीं, मैं कल डाल दूँ। सो इनके लिए दुआ करो गाइस कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और नजर लग जाती है बहुत जल्दी इनको सब, इसलिए बोलते इतना फोटो नहीं खींचना, फोटो रील ये सब में रहते ना, इसलिए इतनी नजर लगती इनको। देखो मैं अलविदा कहने का टाइम आ गया है, मैं जा रही हूँ मेरे घर। सो ये खाला को देखो अभी आए जस्ट उनसे मिलने, और मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया पहले से ही आशा खाला की तरफ से। मेरे लिए उन्होंने बैगी जीन्स रखी थी। सो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मेरा बर्थडे गिफ्ट, अभी फिलहाल एडवांस वाला गिफ्ट। सो ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, अभी जा रही हूँ मैं घर। सो बाय। घर आ गई और फाइनली अब थोड़ा आराम मिला मुझको, और रिया और मैंने सेम सा ब्रेसलेट लिए है। पांडा दिखी नहीं रहा, पांडा तो उल्टा हो जा रहा है बार बार। और मैंने मेरे लिए ईयर रिंग ली, सो हम लोगों ने ये लिया वहाँ से, और काम था इसलिए गए थे मेन तो। और फिर खाला से भी मिलना था क्योंकि खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, उनसे मिल ली, और उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट ला के रखे थे, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो उन्होंने मुझे एडवांस में भी दे दिए गिफ्ट मेरा जीन्स, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जीन्स दिए उन्होंने जिसके अंदर ऐसा वाला साइड पॉकेट्स है, सो बहुत प्रिटी है, थैंक यू खाला। बर्थडे पे नहीं पहन पाऊंगी, और अभी रमजान में भी नहीं पहन पाऊंगी। अगर मैं कोई कुर्ती पहनती तो उसके नीचे पहनूंगी जरूर, बट अभी तो नहीं पहन सकती क्योंकि अभी रमजान चल रहा है, तो मैं ड्रेस और ये सभी पहन रही हूँ, कुर्ती वगैरह तो। और बर्थडे पे भी मेरा ड्रेस है, मैंने क्रीम कलर का ड्रेस ली तो वो पहनूंगी, तो ये नहीं पहनूंगी अभी, मैं ये पहनूंगी रमजान बाद, या तो फिर रमजान में कभी कोई कुर्ती पहने तो उसके नीचे पहन लूँगी। बहुत प्रिटी जींस है वैसे, थैंक यू सो मच आशु खाला। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स आते रहेंगे अगर आपके ब्लॉग को प्यार दिए तो। और देखते हैं अभी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, तभी फिर ब्लॉग बनाएंगे। सो या बाय।